वेलकम बैक गाइस, आई जस्ट फिनिश माई वर्कआउट, सो थोड़ा पंप दिखा रहा था आपको एंड ट्राइंग टू मोटिवेट यू। नया साल आप सभी को मुबारक हो, और नए साल पे जैसे मैंने अपना नया साल स्टार्ट किया जिम से, माई फेवरेट प्लेस, माई पैसन। तो ऐसा कहा जाता है जो हम फर्स्ट डे करते हैं वो थ्रू आउट द ईयर करते हैं। तो आज मैंने वीडियो शूट किया, आज 1 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको मैं, एज ए प्रॉमिस इन माई लास्ट वीडियो। आज मैं आपको मसल गेन की डाइट बताऊंगा। ये डाइट आपको बहुत ही हेल्प करेगी मसल गेन करने में और वेट पुट ऑन करने में। ज़्यादा इससे आपका फैट नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि काफ़ी हेल्दी डाइट है। तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैंने प्री वर्कआउट मील, प्री वर्कआउट ड्रिंक, पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक एंड पोस्ट वर्कआउट मील कवर किया है। उसके आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करूंगा, सो दैट आप चीज़ों को रिमेंबर कर सको और उसको फॉलो कर सको इजिली। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला मील है दैट इज प्री वर्कआउट मील, उसमें मैं ले रहा हूँ 3 अंडे का ऑमलेट, साथ में 2 मल्टीग्रेन ब्रेड और या तो एप्पल या फिर ऑरेंज को एक फ्रूट आपको ऐड करना है। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब एंड विटामिंस। 1 घंटे पहले लेना है इसलिए क्योंकि ये काफ़ी हैवी प्री वर्कआउट मील है तो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। इसे अगर आप 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले खाओगे तो आप ब्लोटेड फील करोगे वर्कआउट के टाइम पे। तो आपको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम देना है, इसलिए 60 मिनट्स का गैप रखना है। तो ये आपको एज ए प्री वर्कआउट मील ऐड करना है और काफ़ी ईजी है ये बनाना, आप इजीली से घर पे बना सकते हो। तो गाइज, प्री वर्कआउट मील लेने के बाद वर्कआउट से 15 मिनट पहले हमें लेना है प्री वर्कआउट ड्रिंक। मैं प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैक कॉफ़ी भी काफ़ी है। तो आपको 15 मिनट पहले लेना है सो दैट ये एक्टिवेट हो जाए और आपको पूरी एनर्जी दे वर्कआउट के टाइम पे और आपको मेंटल फोकस भी दे। तो प्री वर्कआउट ड्रिंक लेने के बाद आपको वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करना है। वंस वी कंप्लीट आवर वर्कआउट, उसके 10 मिनट के बाद हमें वे प्रोटीन लेना है। इज माई पार्टनर जिम बॉडी, लेट योर बॉडी कूल डाउन। 10 मिनट रिलैक्स होना है, परेशान करता है मुझे कभी कभी। 10 मिनट रिलैक्स होना है, उसके बाद ही आपको वे प्रोटीन पीना है। वे प्रोटीन पीने के 15-20 मिनट के बाद काफ़ी जोर की हमें भूख लगती है। तो वहाँ पर जो मील लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मील क्या लेना है मैं भी आपको आगे बताऊँगा। सो पोस्ट वर्कआउट मील इज वेरी क्रूशियल। इस टाइम हमें कुछ भी जंक नहीं खाना है, अदरवाइज ये हमारे बॉडी फैट को बढ़ा सकता है। इस समय हमें क्या लेना है, इस समय हमें लेना है गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्ब, प्रोटीन एंड गुड फैट। तो मैं यहाँ पर 5 एग व्हाइट्स ले रहा हूँ, साथ में ओट्स बनाया है मैंने मिल्क में, साथ में मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स किया है और एक बनाना डाला है। तो नाउ इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्ब, गुड फैट एंड प्रोटीन। ये हमें वर्कआउट कंप्लीट करने के 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के बाद लेना है। ये मील थोड़ा हैवी है तो आपको ये सेटाइट फील कराएगा, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। कोई भी मील इसके 2 घंटे बाद ही लेना है आपको। इन बिटवीन अगर आपको भूख लगती है तो आपको या तो एक एप्पल खाना है या फिर 1 बाउल ऑफ पाइनएप्पल खाना है। तो आप देख सकते हो मील। ओट्स आपको कौन सा यूज़ करना है, क्विकर का ओट्स यूज़ कर सकते हो आप, अगर ये पसंद नहीं है ऐसे तो काफ़ी हेल्दी है ये। तो योगा बार मुस्ली, जिसका रिव्यू मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो इसे कैसे प्रिपेयर करना है और इसका न्यूट्रिशन भी मैंने बताया है। तो बहुत हेल्दी दोनों आप ले सकते हो। तो दिस इज़ योर पोस्ट वर्कआउट मील।